ये जो 7 साल हमारी केंद्र सरकार के हैं वो सचमुच बेमिसाल है। इस दौरान हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रहित और जनहित में अनेक फैसले लेकर, अनेक निर्णय लेकर शानदार उपलब्धियां दर्ज की है। उन्होंने चाहे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करवाकर आतंकवाद की कमर तोड़ी, चाहे इस देश के अंदर धारा 370 को समाप्त कर एकता और अखंडता मजबूत करने का काम किया, चाहे धारा 35 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने का काम किया, चाहे इस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के अनुरूप श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने का शुरुआत करने का काम किया, चाहे इस देश के अंदर वन रैंक वन पेंशन लेने का काम करके और इस योग शिक्षा जो हमारे देश की पुरातन विद्या थी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाकर एक राष्ट्र हित में बहुत बड़े काम किए हैं, जिससे हमारा देश दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र बना है, एक आर्थिक समृद्ध राज्य के रूप में खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हमारे देश का स्वाभिमान बढ़ता है, हमारे देश को दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की जय जयकार होती है और इस देश के अंदर जो जनता है उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। ये नहीं कि बड़े फैसले देश हित में लिए, उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए, 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देना, आयुष्मान योजना गरीबों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो, 2 करोड़ 33 लाख लोगों को लाभान्वित करना, प्रधानमंत्री आवास योजना से 1 करोड़ लोगों के घर बनाना, किसान सम्मान निधि में 9 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता देना, जनधन योजना के खाते खोलकर गरीबों का बीमा और अन्य सुविधाएं देना, इस तरह अनेक गरीबी दूर करने के लिए गरीबों के हित के अनेक निर्णय लिए और हर समाज के हित के लिए निर्णय लेकर निश्चित रूप से अच्छे दिन लाने का प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी भी उन्हें याद करेगी। मोदी जी ने जो एक 10 साल जो 10 साल तक एक निर्णय ना लेने वाली, निर्णय लेने वाली और काम करने वाली सरकार चलाकर ये तो बहुत समय लगेगा। नाम दुनिया में बड़ा, भारत एक शक्ति, क्योंकि उन्होंने इस देश की पुरातन शिक्षा योग समर्थन हासिल करके 21 जून को अंतरराष्ट्रीय